इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में उठा विनेश फोगाट का मुद्दा। विनेश के मुद्दे पर विपक्ष का वॉकआउट नजर आया। खड़गे ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि कौन इसके पीछे है, और इसी को लेकर नड्डा ने कहा इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष की नारेबाजी से जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। सभापति की कुर्सी छोड़कर वो वहां से चले गए। आपको बता दें, विनेश फोगाट की अयोग्यता के मामले पर संसद में आज यानी गुरुवार को खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में तो हंगामा ऐसा हुआ कि सभापति जगदीप धनखड़ को भारी मन से अपने चेयर से उठकर जाना पड़ा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन पर निशाना साधा और उन्हें सदन के नियम के अनुसार व्यवहार करने को कहा। गुस्से में दिख रहे धनखड़ ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सदन में हर रोज मेरा अपमान किया जा रहा है, चेयर पर चिल्लाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? दरअसल भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता का मुद्दा उठाने की विपक्ष की मांग से सभापति जगदीप धनखड़ नाखुश दिखे। खड़गे और डेरेक ओब्रायन विनेश फोगाट का मुद्दा उठाना चाह रहे थे, लेकिन इस पर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने कहा, यह राजनीति का मुद्दा नहीं है।